गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 10th क्लास का अरिथमेटिक का जो टॉपिक चल रहा था उसमें जो आपने मैं डाउट बता रहा था वो वीडियो जो था उस वीडियो को पूरे सुनाए नहीं थे, तो आज जो सेकंड वीडियो जो है वो अगेन आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जो 2-3 क्वेश्चन जो डाउट हो रहे थे वो बताने के लिए। तो उसमें एक स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट आई थी, एक था क्वेश्चन एग्जाम्पल 17 है, एग्जाम्पल 17 जो एक्सरसाइज 5.3 का, एक्सरसाइज 5.3 का एग्जाम्पल 17 देखिए किस तरह से होगा। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ए लेडर हैज रन्स 20 सेंटीमीटर पर डे, सी इन फिगर द रन्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ ऑफ 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 45 सेंटीमीटर एट द टॉप। देखिए रन्स तो है, रन्स इस तरह से, देखिए मैं डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ, आपके समझने में इजी रहेगा। ये रन्स है, ये लेडर है और ये लेडर का रन्स है। लेडर मतलब जानते हो आप सीढ़ी, और सीढ़ी के लिए ये जो रन्स है, जो फर्स्ट जो रन्स है इसकी यहां से यहां तक ये जो लेंथ है ये कितनी है 45 सेंटीमीटर, ये इसकी लेंथ है। और इसकी जो लास्ट जो रन्स जो है ना ये कितनी है 25 सेंटीमीटर, ये कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो ये जो रन्स है इसमें लेडर में ये रन्स इस तरह से आएगा 1, 2, 3 ये आएंगे, तो फर्स्ट कितना है 45 और लास्ट कितना है 25 सेंटीमीटर। इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रंग्स व्हाट रिक्वायर्ड द रंग्स। देखिए ये जो इसका जो टोटल पार्ट है वो टोटल पार्ट कितना, इधर देखिए टोटल जो रंग्स ये जो यहां से यहां तक का जो टोटल है वो कितना है 2.5 मीटर। तो इसको अगर सेंटीमीटर में चेंज कर दें तो ये कितना होगा 250 सेंटीमीटर होगा, मतलब यहां से यहां तक ये जो लेंथ जो है ये कितना है 250 सेंटीमीटर, ये गिवन है। तो अब आप ये देख लो उसमें अगर हम एपी की तरह इसको बनाएं तो ए कितना 45, डी कितना 25, मतलब इसमें जो सेकंड जो रंग जो आएगा ना सेकंड, ये इनका जो डिफरेंस जो है ये डिफरेंस ये कितना है 25 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो डी 25 है और इसके लिए लास्ट टर्म कितना है ए एन कितना है 25 है, ए एन 25 है, और इसके लिए एस एन कितना है, ये जो टोटल था ये 255, मतलब ये यहां से यहां तक ये लेंथ गिवन है, ये जो टोटल पार्ट है 250। क्या गिवन है, देखिए टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर ए पर। तो अब देखिए हमें इसमें एपी में टोटल एन कितना होगा हमें वो बनाना है, तो उसके लिए आप ये देख लेना कि 250 जो है टोटल और इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है 50 आ रहा है और प्लस 1 कर देना तो ये क्या आ जाएगा 10 प्लस 1 और कितना आ जाएगा 11। हमने क्या किया टोटल नंबर ऑफ रंग्स, टोटल नंबर ऑफ रंग्स, तो टोटल नंबर ऑफ रंग्स जो है इसमें ये फर्स्ट सेकंड, तो टोटल रंग्स कितने होंगे, मतलब टोटल कितना था 250 था, इसमें गैप कितना आ रहा था 50 सेंटीमीटर का गैप आ रहा था, तो ये टोटल 250 था, 250 से डिवाइड कर दिया, मीटर में था सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, और 1 से प्लस क्यों किया, यहां पे 11 क्यों बनाया, 11 इसलिए बनाया क्योंकि देखिए इसमें ये जो रन्स जो है रन्स टोटल 10 है, तो 1, 2 ये 3 ये 4 ये 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल रन्स कितने हो गए 10 तो टोटल रन्स थे, लेकिन इसमें देखिए ये जो 10 जो टोटल पार्ट था ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो इसमें ये जो टोटल जो पार्ट जो था ये पार्ट टोटल कितना होगा, तो इसमें अब जो टोटल पार्ट जब हमें 10 करना है तो ये कितना हो गया देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ये 9 तक हुआ है, तो इसको टोटल ये 10 बना दिया, इसका एक पार्ट और कर दिया। अब देखो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 पार्ट बना दिए ना, तो टोटल 10 पार्ट बना दिए। अब देखो आप रन्स काउंट करो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल पार्ट तो हुए 10 और रन्स कितने हुए 11, तो टोटल रन्स कितने हो गए 11 हो गए। तो अब रन्स जो है ये 1 ये फर्स्ट रन सेकंड रन, तो इसका टोटल जो एपी जो बन रही है ये एपी इस तरह से बन रही है 45 फर्स्ट रन और लास्ट रन क्या 25 और ये एन रहा 11, इसके लिए एसएन फाइंड करना है, तो एसएन का ये फॉर्मूला यूज कर लेना, ए प्लस एएन का ये फॉर्मूला यूज कर लेना आप, तो ये फॉर्मूला यूज करोगे तो ये कितना हो जाएगा एसएन एस 11 एन अपॉन 2
11 अपॉन 2 इनटू ए, ए कितना है 45 और ए एन कितना है, ए एन है 25, तो ये इसको टोटल प्लस करोगे तो ये कितना हो जाएगा 11 अपॉन 2 इनटू ये हो जाएगा 70 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, 45 ये 70 हो गया और इसको इससे डिवाइड किया तो ये कितना आ गया 35 आ गया, और 35 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 11 को 5 से मल्टीप्लाई किया 55, 11 को 3 से किया 33, तो ये आ गया टोटल 385 इसका आंसर हो जाएगा, और 385 जो अपना आंसर आया वो किसमें आया सेंटीमीटर में आया, और इसको मीटर में चेंज करोगे तो ये कितना होगा 3.85 होगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को दो तीन बार ढंग से पढ़ना और उसके बाद में फिर से इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, इस वीडियो को दो तीन बार देख के और इसको अच्छी तरह से समझ लेना, तो ये इसका एक बार ये हो गया। तो स्टूडेंट जो एक तो 5.1 में क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ जो है वो किसी स्टूडेंट ने पूछा है, तो वो है अंडर रूट 2, अंडर रूट 8, अंडर रूट 18 और अंडर रूट 32, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है, तो एपी है या नहीं है चेक करना है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे डिफरेंस चेक करें, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है अंडर रूट 2 और अंडर रूट 8 और अंडर रूट 2 का, तो अंडर रूट जो 8 है उसको ऐसे लिख सकते हैं 4 × 2 − √2, तो अंडर रूट 4 की वैल्यू होती है 2, ये होगा 2 √2 − √2, तो अंडर रूट 2 इसका कॉमन आ गया, तो ये क्या होगा 2 − 1 और 2 − 1 क्या होगा 1, तो ये क्या बनेगा अंडर रूट 2, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना आया अंडर रूट 2 आया। अब इन दोनों का डिफरेंस चेक करें, एक पार्ट तो ये हो गया, सेकंड पार्ट इसका देखिए अंडर रूट 80 माइनस अंडर रूट का 8, ये चेक करें हम, तो अंडर रूट 18 को क्या लिखोगे आप 9 × 2 लिखोगे, अंडर रूट 8 को क्या लिखोगे 4 × 2 लिखोगे, तो अंडर रूट 9 क्या होता है 3, ये 3 अंडर रूट 2, अंडर रूट 4 कितना होता है 2 अंडर रूट 2, अगेन अंडर रूट 2 कॉमन आ गया, तो ये क्या बना 3 − 2 कितना हुआ 1, तो यहाँ पे अंडर रूट 2 कितना है, ये डी कितना है अंडर रूट 2 आया, तो समझ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो सेकंड पार्ट में और चेक करें इसका डिफरेंस अंडर रूट 32 माइनस अंडर रूट 18 ये, तो अंडर रूट 32 को क्या लिखोगे आप 16 × 2 लिखोगे और अंडर रूट 18 को क्या लिखोगे 9 × 2। अब देखिए लिखने को तो आप अंडर रूट 32 को ऐसे भी लिख सकते हो 32 को 8 × 4, लेकिन क्या होगा 4 का 2 हो जाएगा फिर 8 का नहीं होगा, 8 को अगेन 4 × 2 लिखना पड़ेगा, तो इस तरह से लिखना कि जैसे 8 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा उसका, तो अंडर रूट 16 का क्या होगा 4, तो ये हो गया 4 √2, अंडर रूट 9 का क्या होगा 3, तो ये 3 √2, तो अंडर रूट 2 में कॉमन आ गया, तो ये क्या हो गया 4 − 3, 4 − 3 कितना हुआ 1, अंडर रूट 2, डी कितना आ गया अंडर रूट 2, यहाँ डी अंडर रूट 2 था, यहाँ डी अंडर रूट 2 है, तो इसका मतलब ये क्या है एपी में है। तो सबसे पहले तो हमें चेक करना था, अब उसके बाद भी ये है कि फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस इन नेक्स्ट फोर टर्म्स आल्सो, ये अगर एपी में है तो एपी में है तो इसकी डी कितना है डी अंडर रूट 2 हो गया, तो इसमें कितनी टर्म्स गिवन थी 1, 2, 3, 4, तो A5 क्या होगा इसके लिए A5 क्या होगा A प्लस 40 होगा, ये फॉर्मूला बताया था आपको, A कितना अंडर रूट 2, 4 कितना ये 4, D कितना अंडर रूट 2, ये D अंडर रूट 2, तो ये वैल्यू पुट कर दी। अब इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, जैसा पूरा अंडर रूट में बनाना है तो ऐसे बना दो इसको, अंडर रूट 2 तो ले लो कॉमन, तो ये होगा 1 + 4, ये हो जाएगा अंडर रूट 2, ये 5 यहां लिख रहा हूं, 5 को अगर अंडर रूट में लोगे तो ये 25 × 2 होगा और ये अंडर रूट 50 आ जाएगा, इस तरह से A5 प्रिंट हो गया। तो इसी तरीके से A6 जब आपको फाइंड करना है तो A6 क्या होगा A + 5D होगा, A कितना अंडर रूट 2, D कितना अंडर रूट 2, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 कॉमन ले लो 1 + 5 ऐसे बनेगा ये, और 1 + 5 ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा 6, और 6 को जब अंडर रूट में लेते हो तो 6 का कितना होगा 36 होगा, 36 × 2 और ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 72 होगा। तो स्टूडेंट इस तरह से A5 A6 मैंने फाइंड कर दिया, A7 और A8 आप अपने आप फाइंड कर सकते हो, एक इसमें इसी एक्सरसाइज का 5.1 का थर्ड का फिफ्थ है और एक थर्ड का एट भी किसी स्टूडेंट ने पूछा था, तो एट वाला और बता देता हूं। तो स्टूडेंट्स इस एपी के मैं समझता हूँ आप जो भी मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मेरे मैथ्स के वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टूडेंट देख रहे हैं वो इसका अच्छा फायदा उठा रहे हैं,
और इनका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये चैप्टर में समझता हूँ आप लोगों ने अच्छी तरह से कवर कर लिए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्ड का एट्थ, थर्ड का एट्थ है थ्री, थर्ड का एट्थ और ये थर्ड किसका, एक्सरसाइज 5.1 का, इसमें गिवन है थ्री, थ्री प्लस अंडर रूट थ्री, थ्री प्लस अंडर रूट टू, थ्री प्लस टू अंडर रूट टू, थ्री प्लस टू अंडर रूट टू और अगेन गिवन है थ्री प्लस थ्री अंडर रूट थ्री, थ्री प्लस थ्री अंडर रूट थ्री। अब इसमें डिफरेंस चेक करना है, वो का वो मेथड है, पहले चेक करना है एपी है या नहीं है, अगर एपी में है तो नेक्स्ट फोर टर्म्स फाइंड करनी है। तो देखिए यहां पे 3 प्लस अंडर रूट 2, इसमें से यही तो माइनस करना है, माइनस का 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया अंडर रूट 2 आ गया, फर्स्ट पार्ट अंडर रूट 2। सेकंड पार्ट चेक करें, इसमें से माइनस करें 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 माइनस, इसमें से ये माइनस करें, तो ये माइनस करेंगे तो देखिए 3 प्लस अंडर रूट 2 ऐसे माइनस करना होगा, इस पूरे के ब्रैकेट लगाना और बाहर माइनस लिखना, तो अब ये क्या बन जाएगा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस का 3 माइनस का अंडर रूट 2, दोनों माइनस से मल्टीप्लाई होंगे, ये इस तरह से होगा इक्वेशन। तो देखिए अब ये कितना बन जाएगा अंडर रूट, ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये आ गया 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 इन दोनों का क्या आ गया कॉमन आ गया, तो 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 क्या होगा 1, तो ये डी कितना आ गया अंडर रूट 2, यहां भी कितना था अंडर रूट 2 था, तो दोनों में सेम आ रहा है। थर्ड पार्ट में और चेक करें इसका, तो डी इक्वल टू 3 प्लस 3 अंडर रूट 3 माइनस, इसमें से ये माइनस करें तो ये दोनों प्लस के हैं तो इन दोनों को माइनस में लिखना पड़ेगा, माइनस 2 अंडर रूट 2। तो देखिए स्टूडेंट 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, अंडर रूट 2 आ गया कॉमन, तो ये 3 माइनस 2 क्या हो गया 1, तो ये अगेन क्या आ गया अंडर रूट 2। तो देखिए तीनों जगह अंडर रूट 2 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है एपी है, तो एपी है तो इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, देखिए ए वन ए टू ए थ्री ए फोर गिवन था, ए फाइव फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस फोर डी, ए कितना ऊपर देखो 3 और डी कितना अंडर रूट 2, तो ये कितना आ गया 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 हो गया, तो इसी तरह से ए 6 ए 7 ए 8 आप फाइंड कर लोगे, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद में एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है 5.2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, व्हिच टर्म ऑफ एपी इज 0, व्हिच टर्म ऑफ एपी इज 0, लास्ट क्वेश्चन बताया कि वीडियो को एंड करते हैं और इसी के साथ आज अपना एपी कंप्लीट हो जाएगा, विद डाउट जो भी आपके डाउट थे वो डाउट भी क्लियर हो चुके हैं सबके, लास्ट डाउट है 2 का सेकंड, एपी है 84 76, विच टर्म इज 0, देखिए ये एपी है, क्वेश्चन नंबर है 2 का सेकंड और एक्सरसाइज 5.2, एक्सरसाइज 5.2 का 2 का सेकंड, विच टर्म ऑफ एपी इज 0, तो मतलब इसकी कौन सी टर्म 0 है, तो कौन सी टर्म 0 है, तो आप ये देखिए a कितना यहां पे 80, d कितना d 80 माइनस 84, तो d कितना होगा माइनस का 4 होगा। तो एक स्टूडेंट ये पूछ रहा था कि नेगेटिव आ रहा तो नेगेटिव देखिए, डिफरेंस नेगेटिव हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, d यहां नेगेटिव आ रहा तो नेगेटिव ले लेंगे अपने क्या है, और लास्ट कौन सी टर्म 0 है इसका मतलब a n की वैल्यू क्या लेनी है आपको 0 लेनी है, फॉर्मूला क्या होगा a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपके पास a की वैल्यू है d की वैल्यू है an n फाइंड करना है, मतलब कौन सी टर्म 0 होगी इसका मतलब an क्या लेना है आपको 0 लेना है, तो an 0 पुट कर दें, a कितना है 80 n माइनस 1 इनटू d, d कितना माइनस 4, 80 इधर के लेफ्ट साइड में आके माइनस का होगा माइनस का 80 इक्वल टू n माइनस 1 ये माइनस का 4, माइनस 4 इधर डिवाइड कर दो माइनस 80 अपॉन माइनस का 4 और n माइनस 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 80 को 4 से डिवाइड करोगे कितना रहेगा 20 आ जाएगा n माइनस 1 और इधर आके प्लस का हो जाएगा n कितना आ जाएगा 21, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, इसका जो 20 जो टर्म है ये जो 20 टर्म वाली ये कितना हो जाएगा
एक तो इसमें ये अच्छा A80 लिखा, मैंने A84 लेना था, सॉरी A क्या लेना था 84, तो यहाँ क्या लेगा 84, ये हो जाएगा 84 और ये 84, यहाँ कितना लेंगे 21, ये 22 हो जाएगा, ये गलती से इधर 84 लिखा नहीं था, मैंने 80 लिख दिया था, तो ये n कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट इस तरह से जो एपी के जितने भी डाउट है वो मैंने बता दिए, फिर भी अगर एपी में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख के बता देना, मैं सॉल्व कर दूंगा। तो स्टूडेंट और भी अगर किसी भी प्रकार की आपकी मेरे वीडियो देखने से किसी भी प्रकार की आपकी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में लिख के जरूर बताएं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। उस स्टूडेंट के आ रहे थे कि कोई चैप्टर का रिवीजन के लिए कह रहे थे, तो कंटिन्यू चल रहे हैं, फिफ्थ के बाद में 6-7 चैप्टर चल रहेंगे, तो इसी के साथ देखिए आपको मैं बता देता हूँ, फिफ्थ जो चैप्टर जो है एपी का वो कंप्लीट हो गया है, सिक्स चैप्टर जो था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का था ये मैंने कंप्लीट करवा दिया है। इन दोनों में अगर फिर भी आपके कोई डाउट रह रहे हैं तो कमेंट में लिख के बताएंगे। सेवन चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज वाला वो चैप्टर का नेक्स्ट स्टार्ट करूंगा मैं, और जो मेरे स्टूडेंट जो मेरे से पढ़ते हैं उनको मैंने चैप्टर 2 और 3 जो है उनका रिवीजन करवाया हुआ है, उनका आप फिर आप आराम से रिवीजन करते रहना। फिर भी अगर इन चैप्टर में भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताना, मैं इनके डाउट आपको क्लियर करवा दूंगा, या ये वीडियो बनाने के बाद में अपना रिवीजन चलता रहेगा। अभी लॉकडाउन, जब तक लॉकडाउन है तब तक भी यही ऑप्शन है, अभी इसी तरह से यूट्यूब के माध्यम से पढ़ना पड़ेगा, भाई लॉकडाउन खुल जाएगा उसके बाद में अपनी क्लास रेगुलर चलती रहेगी, कोई किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ठीक है स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप मेरे वीडियो का ज्यादा से ज्यादा आप लोग फायदा उठाएं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी कोई 10th और 12th के स्टूडेंट है उनको ये जरूर बताएं, तो उसे वो भी इसका फायदा उठा सके। तो ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।